तो क्या नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में एजेंट जॉन सीना का मैच हमें देखने को मिलेगा? इस साल कौन जीतेगा किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट? उसके अलावा रॉ की क्या रही इस हफ्ते की व्यूअरशिप? जॉन सीना ने रिएक्ट किया रोमन रेंस के बड़े रिकॉर्ड के ऊपर। उसके अलावा सर्वाइवर सीरीज की इस साल क्या थीम होने वाली है? तो गाइस सभी अपडेट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो की गाइस हम शुरुआत करते हैं मंडे नाइट रॉ के रेटिंग से, जहां पर गाइस लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ को रेटिंग्स मिली थी 1.857 मिलियन व्यूअर्स। लेकिन इस हफ्ते की व्यूअरशिप की बात करें तो यहां पर WWE को काफ़ी घाटा हो चुका है, क्योंकि इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप आई है 1.582 मिलियन व्यूअर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। और जुलाई 4 के बाद WWE की ये सबसे लोएस्ट व्यूअरशिप है, यानी कि थंडरडोम एरा में भी इतनी व्यूअरशिप नहीं आई जितनी अभी हमें देखने को मिल रही है। और गाइस जिस तरीके से मंडे नाइट रॉ के शो भी चल रहे हैं, देखकर ऐसा लगता नहीं कि क्राउन जूल तक कोई भी इंटरेस्ट होने वाला है, क्योंकि WWE ने स्टोरी लाइन्स को काफ़ी कंफ्यूजिंग कर दिया है। इसलिए गाइस मुझे लगता है क्राउन जूल के बाद जब सारे सुपरस्टार अपने अपने ब्रांड्स पर चले जाएंगे तो शायद WWE को व्यूअरशिप में फ़ायदा हो सकता है। अब हम चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि गाइस जुड़ी है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट से। तो आप सब जानते हैं इस साल एक बार फिर से हमें किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है, और गाइस रिसेंटली रिपोर्ट सामने निकल कर आई हैं जो कि हमें बताती हैं कि आखिर कौन से दो सुपरस्टार हैं जो कि किंग ऑफ द रिंग के फाइनल में आपको देखने को मिलेंगे, और इन दोनों में से कोई एक ही सुपरस्टार आपको किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीता हुआ नजर आएगा। और गाइस यहां पर सामने निकल कर आया नाम फिन बैलर एंड जेवियर वुड्स का। अब फिन बैलर की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं फिन बैलर WWE में एक टॉप स्टार है, और जेवियर वुड्स की बात करें तो वो भी काफ़ी लंबे टाइम से कह रहे हैं कि उन्हें किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतना है, और फैंस भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप सब ये भी जानते हैं कि WWE कभी भी प्लान्स बदल सकती है, क्योंकि 2019 में ज़्यादातर लोगों ने नहीं सोचा था कि किंग कॉर्बिन जीतेंगे किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट। इसलिए गाइस WWE कुछ भी कर सकती है, लेकिन फिलहाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक फिन बैलर और जेवियर वुड्स का आपको फाइनल मैच देखने को मिलेगा, और इनमें से कोई एक सुपरस्टार आपको किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीता हुआ नजर आएगा। अब गाइस हम अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो कि जुड़ी है सर्वाइवर सीरीज से। तो आप सब जानते हैं नेक्स्ट मंथ हमें सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू देखने को मिलेगा, और सर्वाइवर सीरीज की साल की क्या थीम होगी ये चीज़ को WWE ने खुद ही कन्फर्म कर दिया है। क्योंकि गाइस कल मंडे नाइट रॉ पर आपको याद होगा जिमी एंड जे उस शो में देखने को मिले थे, और उन्होंने बिगी से कहा था कि अगर तुम चैंपियन रहते हो क्राउन जूल के बाद तो तुम्हारा सामना होगा रोमन रेंस से सर्वाइवर सीरीज में। यानी कि WWE ने कहीं ना कहीं खुद ही कंफर्म कर दिया है कि इस साल भी गाइस में ब्रांड वर्सेस ब्रांड वाली थीम देखने को मिलेगी, यानी कि 5-on-5 एलिमिनेशन मैचेस, उसके अलावा चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैचेस भी इस साल सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन गाइस ये तो रही सर्वाइवर सीरीज की बात, अब हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, जो कि गाइस जुड़ी है रोमन रेंस एंड जॉन सीना से। तो मैंने आपको कल बताया था कि कैसे रोमन रेंस WWE की हिस्ट्री में विलेंस की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मर्चेंडाइज सेलिंग करने में नंबर वन रिकॉर्ड हासिल कर चुके हैं, और उनकी मर्चेंडाइज सेलिंग जॉन सीना के लेवल की है। और गाइस इसी पर जॉन सीना ने भी अपना रिएक्शन दिया है, जहां पर उन्होंने इंस्टा पर पोस्ट किया जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस पोस्ट में लिखा है रोमन रेंस इज रिपोर्टेडली द मोस्ट पॉपुलर विलन इन WWE हिस्ट्री। अब गाइस जब से जॉन सीना ने ये पोस्ट करा, काफ़ी फैंस का ऐसा मानना कि जॉन सीना रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं। अब वो एक्नॉलेज कर रहे हैं या तो नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन गाइस ये जॉन सीना का एक तरीके से रिएक्शन था रोमन रेंस के बड़े रिकॉर्ड के ऊपर। अब गाइस कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए जॉन सीना के इस पोस्ट के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। अब गाइस हम चलते हैं अपनी लास्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि गाइस जुड़ी है एजेंट जॉन सीना से। तो गाइस रिसेंटली आज का एक इंटरव्यू हुआ था, जहां पर उनसे पूछा गया कि जब से आपने रिटर्न किया है आपने काफ़ी बार बात कही है कि आप न्यू सुपरस्टार के साथ मैच रेसल करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे सुपरस्टार का नाम बताइए अपने टाइम से जिसके साथ आप एक बार फिर से मैच रेसल करने में इंटरेस्टेड रहोगे। तो यहाँ पर एज ने काफ़ी सुपरस्टार के बारे में बात करी, उन्होंने कहा रैंडी ऑर्टन के साथ मैं ऑलरेडी फ्यूड कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं जॉन सीना के साथ एक मैच रेसल करना चाहता हूँ, और मे भी क्या पता नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में हमारा मैच हो जाए, क्योंकि हमने रेसलमेनिया में कभी भी फाइट नहीं किया है, और जॉन सीना वो बंदा है जिसके साथ मैंने फ्यूड की थी और मेरे करियर को एक्सपोजर मिला था, वो यहाँ पर 2006 में हुई आइकॉनिक फ्यूड के बारे में बात कर रहे थे। और आगे बात करते हुए एज ने कहा कि जॉन सीना स्टिल WWE में काम करता है, तो हो सकता आने वाले टाइम में जब भी जॉन सीना रिटर्न करे तो मैं उसके साथ एक मैच रेसल कर लूँ। और जिस तरीके से गाइस एज ने बातें कही हैं देखकर ऐसा लगता है कि डेफिनेटली रेसलमेनिया में अगर एज को मौका मिले तो वो जॉन सीना के साथ ज़रूर एक मैच रेसल करेंगे। और गाइस बस आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक की मिले तो कहीं मत जाना, और साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।